नमस्कार साथियों, सीबीवी ग्रेटियो गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई मेरिट लिस्ट दोस्तों जो जारी होने वाली थी, झारखंड आईटीआई एडमिशन की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे झारखंड आईटीआई के तो झारखंड आईटीआई में शाम को 6 बजे आज की डेट में जो है, आज की डेट में 5 तारीख को शाम को 6 बजे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है ये जारी होने वाली थी। तो फाइनली इसका 6 बजे लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अब फाइनली जो इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है फाइनली। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपने मोबाइल से कैसे अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेप्स दे सकते हैं और अपना नाम, आपका कितना रैंक आया है आपको उसमें शो करेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको चेक करने के लिए ऑफिशियल साइट पर आना होगा और ऑफिशियल साइट दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ये ऑफिशियल साइट है itjharkhand.gov.in। आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद करना कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये आपको आईटीआई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ईयर 2022 आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने जो है एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर आपका जो है लिखा होगा, आपके सामने लिखा होगा आईटीआई 2022, ठीक है 2022। फिर अगर इसके आगे आपको जो अंक होगा, जो मतलब 0057 या फिर 0 कुछ जो कुछ भी हो आपके आगे इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है ऐसा कुछ रहेगा, तो आपको ये भर देना है। यहाँ पे आपको भर देना है। मैं ये भर के आपको दिखा रहा हूँ, तो आपके भर दूंगा। जब यहाँ भरेंगे आप तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जो आपने फॉर्म में भरा वो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नाम वगैरह आपका दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद जो है जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका रैंक। ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे रैंक आपको दिखाई देगा, यहाँ पे टोटल जो रैंक आपको वो दिखाई देगा, कैटेगरी रैंक दिखाई देगा। कैटेगरी रैंक में जो है इनका जो रैंक है 30 है, ठीक है इसका मतलब 106 रैंक इनका जो है टोटल जो रैंक दिखाई दे रहा वो है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो कैटेगरी रैंक हो 30 है, इसका मतलब ये मान के चलिए इनका जो है 100% जो है दोस्तों मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम इनका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, अपना रैंक इस तरह से देख सकते हैं। कैटेगरी इनका वीसी फर्स्ट है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका कैटेगरी जो रैंक है इनका वो 30 है, ठीक है। टोटल जो रैंक ओवरऑल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 106 है, 106 में 30 जो है कैटेगरी इनका रैंक है, तो यहाँ फाइनल इनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम पक्का आ जाएगा। ऐसे ही एक लुक में और दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ऐसे ही दोस्तों मैं एक रैंक आपको और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं CML जो रैंक है, CML का दोस्तों मतलब होता है कॉमन जो है रैंक होता है, ये कॉमन रैंक होता है, ठीक है कॉमन जो है रैंक होता है ये। और इनका देख सकते हैं जो है रैंक जो है कैटेगरी जो रैंक है 1605 है। वो देखिए जो मैंने पहले दिखा था वहाँ पे 30 था, ठीक है लेकिन यहाँ पे 1605 है, तो इनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा क्योंकि 1605 है। और यहाँ पे 4000 जो है कॉमन मेरिट लिस्ट, इसको बोलते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है सामान्य जो मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट है 4397, तो इनका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं और आपका इस तरह से शो करेगा, तो ये मान के चलिए आपका जो है यहाँ पे रैंक के हिसाब से वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।